दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में। हर एक एग्जाम में लाभ और हानि के प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें मैथ का एग्जाम होता है। और दोस्तों लाभ और हानि के प्रश्न ऐसे होते हैं जिसमें समय लगता है थोड़ा, उसके बाद आंसर आता है, हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। लेकिन आज ऐसी ट्रिक हम आपके लिए लेके आए हैं जहाँ पर किसी भी प्रकार का प्रश्न आया जिसमें पूछा गया हो कि इतने में खरीदार उतने में बेचा, या इतने में खरीदने पर उतने में बेचने पर किस प्रकार का क्रय मूल्य क्या होगा, ऐसे प्रश्न कभी भी आए, एक ट्रिक है इसके माध्यम से 1 मिनट से भी कम समय में आप इसको कर लेंगे। ये वीडियो भी ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है क्योंकि इसमें 2-4 प्रश्न जो अपन करेंगे बहुत जल्दी उसके आंसर निकल जाएंगे। दोस्तों होता क्या, ये प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, देखिए इसको। किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने पर उतना लाभ होता है जितना उसे 452 रुपए में बेचने से हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा ज्ञात करना। अब इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो कंफ्यूज करते हैं कि कितना बेचेंगे कितना खरीदेंगे, तो कुछ नहीं करना है, 1 मिनट में आंसर आएगा। ट्रिक है इसकी, जितना प्लस उतना बाई टू, यानी कि जितना प्लस उतना को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो। आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए, जहां पर भी आपको जितना लिखा है, अब जितना इसमें कहां लिखा है, जितना लिखा है 452 जो है उसके पास में, उतना कहां लिखा है 524 के पास में, उतना लिखा है, उतना लाभ होता है जितना हानि होती है, तो जितना प्लस उतना दोनों दे रखे हैं, दोनों को जोड़ो 2 का भाग दो। अब इसका क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन है, तो इसमें कितना 524 और 452 इनको जोड़ें और 2 का भाग दें तो 488 यानी कि 488 का आंसर आता है। इसी प्रकार से आप कोई सा भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं, बस आपको इतना ध्यान रखना है क्या ट्रिक है अपनी, जितना प्लस उतना भाग दो, उनमें 2 भाग दे देना है, और उसके बाद ये आता है कि जितना आपको दे रखा है, जितना दे रखा है 452 उतना दे रखा है 224, इसमें 2 का भाग देते ही जो अपन ऐड करके 2 का भाग देते हैं, तो सिंपल 1 मिनट में आंसर आ जाता है। लेकिन अगर हम इसको हल करने जाते हैं तो बहुत समय अपन को लगता है। अब ध्यान से देखिए एक प्रश्न दूसरा यहाँ पे एक और भी है कि एक वस्तु को 700 रुपए में बेचने पर, अब यहाँ पर पहले क्या था 524 रुपए में बेचने पर, इसमें 700 रुपए में बेच रहे हैं, बेचने पर जितना लाभ होता है उतनी ही उसे 450 रुपए में बेचने पर से हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। दोस्तों उस वस्तु का क्रय मूल्य अपना ट्रिक क्या है, यहाँ पर ट्रिक देखिए, जितना प्लस उतना भाग दो, तो यहाँ पर जितना कितना दे रखा है 700 दे रखा है और 450 यहाँ पे क्या दे रखा है, उतने में बेचने पर हानि होती है, जितना प्लस उतना बटा दो करते हैं अपन, तो यहाँ पे हो जाता है इन दोनों का एड 1150 और 575 इसका आंसर आ सकता है। तो इस प्रकार से इस प्रकार के जो भी प्रश्न है आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप और भी प्रश्न आप यहाँ पे निकाल के देखिए, उन सभी का आंसर आपका आ जाएगा बुक में, जितने भी प्रश्न आपके हो। दोस्तों ये ऐसे जो हवाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन सभी का आंसर इस ट्रिक से निकाल सकते हैं, बहुत अच्छी है ट्रिक है। दोस्तों सवालों में जहां भी जितना और उतना हानि या लाभ, या जितनी हानि या उतना लाभ दिखे, बस आपको वही कुछ सोचे समझे बिना जितना प्लस उतना करके 2 का भाग दे देना है, ये ट्रिक लगा दो काम करेगा, आपका 1 मिनट में आंसर आ जाएगा, इवन 1 मिनट से भी कम में आंसर आ जाएगा। आपको ये ट्रिक कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और स्टूडेंट के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी ज्यादा दिक्कत ना हो। लगभग लगभग हर एक एग्जाम में जितना प्लस उतने के प्रश्न पूछे जाते हैं, इस ट्रिक से ज्यादा प्रश्न आप निकालें, जिस प्रश्न में भी डाउट आए कमेंट करके मुझे बताएं, उस प्रश्न का डाउट मैं क्लियर करूंगा, और जितना ज्यादा हो सके इस ट्रिक को शेयर करें ताकि और स्टूडेंट को भी फायदा मिल सके। फिलहाल के लिए धन्यवाद, बने रहिए डीएस गुरुजी के साथ। Like a bird on a tree, I'm just sitting here, I got time.